प्रिया निगम विशाखपुर विद्यालय जनपुरा जिसको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ जी, इसका शीर्षक है अच्छा खाना। एक बहुत अमीर किसान था, बहुत अमीर, उसके दो बेटे थे, तो एक पास वो मृत्यु के निकट पहुंचा है तो उसने अपने नौकर से बुलाया दोनों बेटों को और एक सीख दी और साथ में सारी संपत्ति उन दोनों में विभाजित कर दी। आधे आधे विभाजित करके बाद एक बात उनको बताई कि बेटा अगर जीवन में खुश रहना है मेरी तरह और अमीर बने रहना है तो केवल ये काम करना जीवन में सबसे अच्छा काम है। दोनों बच्चों ने उनको सुना और सीख लिया। तो बेटा का छोटा बेटा उसको बड़ा मजा आया कि ये तो बड़ी अच्छी बात बता दे रहे हैं। तो मैंने बड़े भाई से बोला कि चलो भाई हम लोग चलते हैं, हम लोग पास बहुत संपत्ति है, हम लोग चलते हैं शहर में चलेंगे और खूब अच्छा खाना खाएंगे क्योंकि यहाँ तो खाना मिलेगा भी अच्छा। तो बड़ा भाई जो था उसने सोचा और बोला कि भाई तुम जाओ और अच्छा सा खाना वहाँ खाना, मुझे जो यहाँ मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा और अच्छा खाना जो भी उपलब्ध होगा वो खाऊंगा। तो वहाँ ही रहा बड़ा वाला भाई गाँव में ही रहा और छोटा वाला भाई शहर जा करके उसने बड़ा सा घर खरीदा अपनी संपत्ति से और उसमें रसोई रखी और बहुत सारे नौकर चाकर रखे, रोज अच्छा अच्छा खाना खा कर इतना अच्छा हो सकता था बनाया और खाया। थोड़े दिनों बाद उसकी संपत्ति खत्म होने लगी, उस साल बाद वो भी बिक गए, घर वापस आए। जब घर वापस आया तो उन्होंने देखा कि उसका भाई जो है बड़ा बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, बहुत अमीर किसान हुआ, अपने पिताजी की तरह बन चुका था। कि भाई मुझे वो अच्छा खाना खाना है जो आप खाते हो क्योंकि पिताजी ने यही कहा था। तो उसने बोला कि हाँ वो तो है, मैं तो बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, मुझे भी वो खाना खिला दो प्लीज। तो बोला कि ठीक है चलो, लेकिन थोड़ा सा काम कर लेते हैं और चलते हैं खेत पे काम करते हैं। तो अपने खेत पे लेके गया और बोला कि चलो थोड़ा सा काम कर लेते हैं, खेत पे लेके गया और काम करने लगा। बहुत देर हो गई, शाम होने को आई और वो खेत में काम करते करते थक गया छोटा भाई भी काम कर रहा था। तो बोला भाई मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, खाना दे दो। बोला कि बड़ा भाई बोला कि अभी तो थोड़ा काम और बाकी है वो भी कर लेते हैं और फिर अच्छे से खाना खाते हैं। बोला कि ठीक है, फिर और काम कराया, खूब काम कराया, टाइम और ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा टाइम हुआ। अब उसकी पेट में चूल्हे भूख लगते हैं। बोला कि भाई मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी, अब मैं तो इतना थक गया हूँ कि अब मैं कुछ काम नहीं कर सकता, भाई मुझे खाना दे दो। तो बोला कि अच्छा खाना तो घर कुछ हो गया है, मेरे पास तो सूखी रोटी रखी हुई है थैली में रखी, चलो पेड़ के पास बैठ जाते हैं। तो बोला कि ठीक है, उसको रोटी दी और रोटी दे, वो बैठ के खाने लगा, इतना पेट भर के उसने खाया, रोटी कितनी होती सारी बैठ के उसने खा ली। ठीक उसका बड़ा भाई पूछने लगा ये अच्छी है क्या, स्वाद लग रही है? बोला हाँ बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा खाना है यही। अब मुझे समझ में आया मेरे पिताजी ने कहा था सबसे अच्छा खाना खाना, मुझे अब समझ में आया कि परिश्रम करने बाद कठिन परिश्रम करने के बाद जो भूख लगती है उसमें जो खाना मिलता है हमें वो सबसे स्वादिष्ट सबसे अच्छा खाना होता है। तो बच्चों परिश्रम करने के बाद जो भूख होता है सबसे अच्छा।